नमस्कार मित्रों, RebellionVoice.com में आपका स्वागत है। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत की खुफिया एजेंसी के पूर्व अधिकारी ने भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हमीद अंसारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और यह आरोप इतना बड़ा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को सीधे इसमें हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। रॉ के पूर्व अधिकारी के अनुसार जब हमीद अंसारी ईरान में थे और वो 1990 से 1992 तक भारत के एम्बेसडर यानी राजदूत के तौर पर कार्यरत थे, उस समय उन्होंने भारत के खुफिया विभाग यानी रॉ को कमजोर करने का पूर्णतः प्रयास किया था और इसके लिए वो काम कर रहे थे। अगर हम रॉ के पूर्व अधिकारी की माने तो गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि हमीद अंसारी जब ईरान में थे तो रॉ की खुफिया जानकारी को वो ईरान के अधिकारियों तक पास करते थे, यानी जो ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी थी उसको रॉ की सारी जानकारियां प्राप्त हो जाती थी हमीद अंसारी के द्वारा। तो इस तरह का इल्जाम भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हमीद अंसारी पर लगाए गए हैं और अधिकारी का मानना है कि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी को करना चाहिए। यह इल्जाम पहली बार 2017 में ही लगाए गए, तो इस गंभीर आरोपों का क्या जवाब होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमसे जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।